मध्य प्रदेश के सागर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरदुली के पास जंगल में बने तालाब में करीब 10 दिन पुराना शव मिला है। शव छत बिछत अवस्था में है, उसका सिर हाथ पैर गायब हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मार्ग कायम कर पुलिस ने इस पूरे मामले को जाँच में ले लिया है। वहीं पुलिस वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए तालाब और आसपास के जंगल में सर्चिंग कर रही है। रोहित मोबाइल भगवानगंज का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा। पता हीरो शोरूम के पास, भगवानगंज सागर मध्य प्रदेश। पुलिस के अनुसार हरदुली के तालाब में छत बिछत अवस्था में शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही कुछ लोगों ने मृतक की अर्जुन कुछ बंदिया के रूप में पहचान की है, लेकिन पहचान स्पष्ट नहीं होने के कारण डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की पहचान हो सकेगी। मामले में हत्या के बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही आफतगंज और समनापुर गाँव के कुछ बंदिया समाज के लोग अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने मृतक की पहचान अर्जुन कुछ बंदिया उम्र 35 साल के रूप में की है, लेकिन उन्होंने पुलिस को मृतक के संबंध में जो बताया उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इस पूरे मामले में अंकल कुछ बंदिया ने बताया कि उनका साला अर्जुन कुछ बंदिया 10 दिन पहले मुनीम की बकरी को ढूंढने के लिए हरदुली के जंगल में जा रहा था। तभी 4-5 लोगों ने मिलकर अर्जुन के साथ मारपीट कर दी और उसके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौका पाकर वहां से भाग निकला। परिवार के लोगों ने जो घटना बताई है उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। महाराजपुर थाना प्रभारी मीनेश भदौरिया ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतक की पहचान भी नहीं हुई है। पहचान के लिए डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मृतक की पहचान अर्जुन कुछ बंदिया के रूप में की है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले में मार्ग कायम कर जाँच की जा रही है और हत्या समेत अन्य बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। कल शाम को महाराजपुर थाने अंतर्गत हरदुली ग्राम के जंगल में तालाब है, उसमें एक बॉडी मिली है जो काफ़ी दिन पुरानी है तथा छत बछत स्थिति में है, जिसका भी पंचनामा कार्रवाई करके पीएम कराया जा रहा है। क्या उसको कोई मैंने सुराग लगा है कि हत्या हुई है, क्या है? वही पीएम कराया जा रहा है, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या है। देवरी से अनुराग विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लिधौरा हाट, फोर लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।